प्रभु, आप लोग क्यों बच्चे की जान ले रहे हैं? अभी पानी बहुत ठंडा है, मैं बाद में नहा लूंगा। कैलाश पर रहने वाले कब से ठंडे पानी से डरने लगे नंदी जी? हम सब भी आपके साथ नहाने वाले हैं। नहीं प्रभु, अभी नहीं नहा सकता मैं, मेरा व्रत है। व्रत? नहाने का व्रत कौन रखता है? व्रत नहीं प्रभु, व्रत नहीं, प्रतिज्ञा ली है मैंने। मैं दोपहर को ही नहाऊंगा। ये क्या बोला? यही कि हम सब समझ गए नंदी जी। पानी पानी बहुत ठंडा है प्रभु। तेरी गर्मी मैं दूर करूंगा। प्रभु, केकड़ा सुर तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया। वो यही कहीं से नंदी जी को लेकर गया है मूषक। हमें रास्ता खोजना होगा। प्रभु, रास्ता यहाँ है। मैं तुझे भून कर खाऊंगा। कौन हो तुम? मुझे गर्मी लग रही है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों छोड़ दूं? तुझे छोड़ने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए पकड़ा है। नंदी जी को छोड़ दे दुष्ट केकड़ा असुर। अरे वाह, आज तो 56 भोग खाने को मिलेंगे। प्रभु बाल गणेश, इस दुष्ट ने हमारे नंदी जी को सताया है, इसे तोड़ फोड़ डालिए। ये मुझे तोड़ेगा फोड़ेगा, इसकी तो मैं चटनी बनाकर खाऊंगा। पर खैर, चलो ठीक है, एक अवसर दिया मुझे पीटने का। चल भाई बाल गणेश, पीट डाल मुझे। अब तो तू गया। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं, मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करता हूँ। बस करिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी सेना के साथ कहीं दूर चला जाऊंगा। तो अभी निकल जाओ, वरना
भागो। हिम हिम हाम अमर स्वाहा, हिम हिम हाम अमर स्वाहा, हिम हिम हाम अमर स्वाहा। प्रकट होइए दानव राजा, प्रकट होइए और बताइए मुझे अमृत धारा कहाँ मिलेगी। सुनो ज्वाला असुर, अमृत धारा पाने के लिए तुम्हें एक बच्चे की बलि देनी होगी। जो आपने मांगा है दानव राजा, वो आपको अवश्य मिलेगा। गरुड़ा। क्षमा असुरराज, आंख लग गई थी। बोलिए क्या काम है। जाओ और एक बच्चे को यहाँ लेकर आओ, मुझे उसकी बलि देनी है। जल्दी जाओ। जी। प्रभु जरा देखिए, आज मैं ये क्या बना कर लाया हूँ। अरे वाह, ये तो लड्डू है। क्या ये चलता भी है ब्रिंगी? प्रभु क्यों मजाक कर रहे हैं, अभी चला कर दिखाता हूँ। प्रभु बचाइए हमें, प्रभु। अरे मूर्ख, मैंने तो एक बच्चा लाने को कहा था, तुम इतने सारे क्यों ले आए? असुरराज, मैं तो एक ही लाया था, ये इतने सारे कैसे हो गए? खैर कोई बात नहीं, एक ही बच्चे की बलि देनी है, वो मैं दे दूंगा, जिसके बाद दानव राजा खुश होकर मुझे अमृत धारा दे देंगे, जिसे पीकर मैं अमर हो जाऊंगा, और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में ज्वाला असुर का ही राज होगा। ज्वाला असुर, तेरे अमर होने का तो पता नहीं, लेकिन तुम मर जरूर जाएगा। कौन मारेगा मुझे, कौन? और कौन? हमारे प्रभु बाल गणेश ही मारेंगे। ये नन्हा सा बालक मारेगा मुझे। अरे मूर्खों, मैं इसकी ही तो बलि देने वाला हूँ। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे इस बालक को अगर मुझे मारने का इतना ही मन है तो चलो कर लो अपनी इच्छा पूरी, आओ मारो मुझे। क्या हुआ, तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करता हूँ। और मैं आग उगलता हूँ। Ha!
बस बस बाल गणेश, मुझे नहीं लड़ना आपके साथ, क्षमा करो मुझे। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस गलती हो गई मुझसे। अमर होने के चक्कर में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन आपसे पिटने के बाद बुद्धि ठिकाने पर आ गई है। मुझे अमर नहीं होना है, मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं ज्वाला असुर, मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करता हूँ। हाथ पीछे बाल गणेश, मोदक बंधे ही खाने आ जाते हो, लेकिन हाथ बटाने के नाम पर तुम्हें खेल कूद सोचने लगता है। आने दो तुम्हारे दोस्तों को, बताती हूँ उन्हें भी। सब यही है माँ, वो देखो। वहाँ क्या कर रहे हो, अंदर आओ। प्रभु, आप फंसे तो फंसे, हमें क्यों फंसाया? दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी, सुख दुख सबके सांझे। इससे क्या होगा माता? चुपचाप खा लो, वरना इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु ये कह रहा है कि बहुत भूख लग रही है, क्या करें? भूख मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन माँ से बात कौन क्या करेगा? बच्चों, माता रुष्ट हो गई क्या? बहुत ज्यादा, खाने में केवल एक ही मोदक दिया आज। आप माँ से बात कीजिए ना पिताजी। हर काम बात करने से नहीं बनता बाल गणेश, योजना भी लगानी पड़ती है। हाँ? हद हो गई तुम्हारी बाल गणेश, जब देखो तब खेल खेल और खेल, तुम्हारा काम से जी उठता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। चलो जाओ, अभी के अभी टेढ़ा मेढ़ा असुर को मार के आओ, जाओ। पिताजी, मैं अभी जाकर टेढ़ा मेढ़ा असुर को मार कर आता हूँ। पिताजी, हमने टेढ़ा मेढ़ा असुर को मार कर सीधा कर दिया। तो जाओ और ब्रह्मपुत्र नदी की धारा को धारा लोक की ओर मोड़ दो। पिताजी, कुछ देर बात करें, अभी भूख लगी है। काम से बढ़कर भूख नहीं होती बाल गणेश, जाओ ये कार्य अभी करके आओ। जी पिताजी। कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ बस करिए आप, क्या लगा रखा है आपने, कभी ये करो कभी वो,
कुछ खाने तो दीजिए मेरे बच्चों को। बाल गणेश अपना अधिक समय खेलने में लगा रहे हैं। ऐसे में यदि हाँ, तो अब बच्चे इस उम्र में नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? अभी ये असुरों को मार कर आए हैं और अभी आप उन्हें दूसरे काम पर भेज रहे हैं। अब जब तक ये सब कुछ खा नहीं लेते कहीं नहीं जाएंगे। हाँ? मैं तुम लोगों के लिए मोदक लाती हूँ, सबको भरा हुआ पूरा एक थाल मिलेगा। हाँ? वाह पिताजी, आपकी योजना तो सच में बढ़िया है। अभी देखती हूँ। योजना तो मैं तुम सबकी बनाती हूँ आज। आओ इधर। हम पकड़े गए बाल गणेश, भागो। रुको।